हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन स्कैन में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी वीडियो, वीजा, इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी को लेके जो निकल के आई है दुबई मेट्रो में। दुबई मेट्रो में क्लीनर की जॉब वैकेंसी आई है और कस्टमर सपोर्ट की वैकेंसी आई है। दो पोस्टों पर वैकेंसी आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और बहुत ही मतलब बेनिफिटफुल वैकेंसी है और बहुत ही मतलब हर सुविधाएं मिलती हैं आपको। तो डिटेल्स में हम जानेंगे क्या सैलरी होने वाली है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनी इस वैकेंसी को कंडक्ट करती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले बात करते हैं दुबई मेट्रो में वैकेंसी कौन सी कंपनी कंडक्ट करती है। देखिए, दुबई मेट्रो में जितनी भी वैकेंसी आती है वो सेरको ग्रुप कंडक्ट करती है, चाहे वो क्लीनर का हो या कस्टमर सर्विस का हो या किसी भी तरह की कोई भी वैकेंसी हो, अपर लेबर छोड़ के, टेक्नीशियन छोड़ के, तो वो सेरको ग्रुप ऑफ कंपनी ही उसको कंडक्ट करती है। उसने जॉब वैकेंसी सेरको ग्रुप ऑफ कंपनी ने ये जॉब वैकेंसी अलाउंस की है क्लीनर का और कस्टमर सपोर्ट का। तो इसमें डिटेल्स में अगर बात करें तो दुबई मेट्रो में अक्सर वैकेंसियां आती रहती हैं, हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे वैकेंसियां आती रहती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अक्सर आप देखेंगे यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग वीडियो डालते हैं दुबई मेट्रो में वैकेंसी है, दुबई मेट्रो में वैकेंसी है, क्योंकि हर 2 महीने, हर 1 महीने, हर 3 महीने पे दुबई मेट्रो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। बहुत सारे न्यू स्टेशन खोले जाते हैं और उनका एक्सपेंड करने का काम चलता रहता है। तो बहुत सारे नए नए स्टेशन बनते रहते हैं जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता रहता है। तो इस वजह से हर समय, हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे वैकेंसी आती रहती है। तो अब बात करेंगे इसमें अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई करने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है सेरको ग्रुप ऑफ कंपनी, serco.ae पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके कैरियर पेज पे आप जिस जॉब वैकेंसी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक देने का और स्क्रीनशॉट भी वीडियो में लगाने का। अब बात करेंगे कि सैलरी आपकी क्या होने वाली है। सैलरी देखिए 2500 स्टार्टिंग है, 2500 दिरहम। आप सोच सकते हैं 2500 दिरहम से 3800 दिरहम तक स्टार्टिंग सैलरी आपकी होने वाली है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास कम से कम 10+2 होना चाहिए, 10+2। ऊपर से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस का या बहुत हॉस्पिटलिटी लाइन में क्लीनिंग का, तो वो आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। और इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस आप बात भी कर सकें और समझ भी सकें, ये दोनों चीज़ चाहिए। क्लीनर में थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन कस्टमर सर्विस में आपकी फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंटरव्यू थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। अब बात करेंगे कंपनी ओवरऑल बेनिफिट आपको क्या देगी। देखिए, कंपनी ओवरऑल आपको बेनिफिट एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड का आपके पास से होता है। फूड अभी लगभग लगभग कोई भी कंपनी यूएई में आपको नहीं देती है। कोई भी एजेंट अगर आपको कहता है कि अब खाना भी कंपनी दे रही है, तो वो आपके साथ फ्रॉड करने वाला है। कोई भी कंपनी खाना नहीं देती है। ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन प्लस सैलरी, ये आपकी होगी। अब बात करेंगे इंटरव्यू सेशन कैसे होता है। देखिए, इसमें 2 राउंड का इंटरव्यू होता है। पहले आपका सेरको के कंपनी में होता है, फिर दुबई दूसरी राउंड के दुबई मेट्रो के कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो लेते हैं। वो आपका जूम पे भी इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका, आप कहाँ पे हो और कैसे अप्लाई किए हो, क्या आपकी क्राइटेरिया है, आप फर्स्ट राउंड से कैसे सेलेक्ट हुए हो। फर्स्ट राउंड में जब सेलेक्ट हुए तो आपको कितने स्टार्स मिले हैं, डबल रेटिंग मिली है, ट्रिपल रेटिंग मिली है, 4 रेटिंग मिली है, 5 रेटिंग मिली है, उस हिसाब से आपका सेकेंड राउंड के इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाता है। तो ओवरऑल ये डिटेल्स थे। अप्लाई करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया, सैलरी भी बता दी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या ओवरऑल एलिजिबिलिटी होगी, क्या कितनी सैलरी होगी। इसके बाद भी कोई सवाल या डाउट आपको रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। जितने लोगों की पुराने क्वेश्चन थे सबका जवाब मैंने दे दिया है। इसके बाद भी कोई सवाल या क्वेरी वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड या किसी भी प्रोसेस रिलेटेड आप दुबई में जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।